दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ड्रोन को फ्लाई करना कैसे सीख सकते हैं, अगर आपके पास ड्रोन है तब भी, अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तब भी। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा ड्रोन का वीडियो बनाया है और उन वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोगों ने ड्रोन बनाया है और बहुत सारे लोग ड्रोन बना रहे हैं। ड्रोन बनाना कुछ और है, ड्रोन उड़ाना कुछ और है। ड्रोन को उड़ाने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना होता है और जितना अच्छा हमारा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छे से हम ड्रोन को फ्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब हम ड्रोन फ्लाई करने का प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर बहुत बार हमारा ड्रोन क्रैश होकर टूट जाता है, जिससे बहुत सारा पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है। ये प्रॉब्लम उनके लिए था जिनके पास ड्रोन है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्रोन नहीं है पर फिर भी वो ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ड्रोन नहीं है, वो चाहते हैं कि हम पहले फ्लाई करना सीख जाएं उसके बाद ड्रोन बनाएं, क्योंकि अगर हम ड्रोन बनाते हैं तो अगर मैं फ्लाई नहीं कर पाया सही से तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बिना किसी ड्रोन के ड्रोन को फ्लाई करना कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए होगा एक रेडियो ट्रांसमीटर जिसमें सिमुलेटर सपोर्ट करता हो। आप यहाँ पर किसी भी टाइप का रेडियो ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फ्लाई स्काई FS-I6 का रेडियो ट्रांसमीटर, क्योंकि ये ट्रांसमीटर बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड हमें चाहिए FMS सिमुलेटर केबल, और थर्ड हमें चाहिए एक लैपटॉप। आप यहाँ पर डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस लैपटॉप पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नेम है फ्री राइडर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फ्री राइडर ड्रोन सिमुलेटर। यहाँ हमें नीचे थर्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब हमें सबसे नीचे आना है और यहाँ पे हमें फ्री राइडर विंडो डेमो को डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैंने डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउनलोड होने के बाद हमें एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें अपने ट्रांसमीटर के सिमुलेटर को ऑन करना है। सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर में फैक्ट्री रीसेट करेंगे जिससे हमारा पिछला सेटअप सारा इरेज हो जाएगा। अब हमें बैक आना है और हमें ट्रेनर मोड को ऑन करना है। यह है FMS सिमुलेटर। इसके अंदर हमें 3 केबल्स मिलता है। पहला है स्मॉल राउंड एडेप्टर केबल, दूसरा है लार्ज राउंड पैच कोड, और तीसरा है एरो मॉडलिंग USB एनालॉग केबल। अब हमें USB एनालॉग केबल के साथ में स्मॉल राउंड एडेप्टर केबल को कनेक्ट करना है। अब हम स्मॉल राउंड एडेप्टर केबल को अपने ट्रांसमीटर के ट्रेनर पॉट के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम USB एनालॉग केबल के USB पोर्ट को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमें रेडियो ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना है। इसके लिए हमें कैलिब्रेट कंट्रोलर पर क्लिक करना है और हमें जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके हिसाब से हमें अपने ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट कर लेना है। अब हम अपने ट्रांसमीटर के स्टिक को चेक करेंगे। यहाँ से हम अपने स्टिक को ट्रिम भी कर सकते हैं। सारा स्टिक परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें ओके पे क्लिक करना है एंड अब हमें डेजर्ट पे क्लिक करना है और गेम को खेलना है। दोस्तों अभी हम ड्रोन को डेजर्ट में फ्लाई कर रहे हैं और ये फ्री वर्जन है। इसमें आपको पेड वर्जन भी मिल जाता है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। जिस तरीके से हम रियल ड्रोन फ्लाई करते हैं सेम वैसे ही ये भी ड्रोन फ्लाई होता है। इसे हम और भी बहुत सारे गेमिंग रिमोट से प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ रेडियो ट्रांसमीटर का यूज इसलिए किया है क्योंकि रियल ड्रोन को भी हम इसी ट्रांसमीटर से फ्लाई करते हैं। अगर हम इस ट्रांसमीटर से सिमुलेटर खेलने का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा रियल ड्रोन फ्लाई करने का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा ड्रोन का वीडियोज़ अपलोडेड है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो और खुद का ड्रोन भी बना सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं।